चुका हूँ जयपुर से अपना निमराना तरफ, जयपुर से निमराना जो जाते हैं दिल्ली जयपुर एक्सप्रेस वे है, और उस बीच में राइडर ने ब्रेकफास्ट के लिए रुका। ये ओल्ड राव होटल है, बहुत बेस्ट होटल है, सारी सुविधाएँ ही है, लग्जरी सुविधा है, आप देख सकते हैं। और मेरे पास बुकिंग आई थी उबर में, तो मैं लेके आ गया हूँ। फाइनली मैं गाड़ी में बैठ चुका हूँ, अभी राइडर आएंगे। मैंने पराठे वराठे खा लिए हैं, राइडर ने भी, वो लोग खा ही रहे थे। मैंने बोला सर आप आओ, मैं तब तो बाहर गाड़ी पे हूँ। दोस्तों क्या रिव्यू रहेगा आज का आप लोग देखिए। और ये ओल्ड राव होटल है, बहुत बेस्ट है, और आप लोग आए जैसे दिल्ली के लिए जब जाते हैं तो जयपुर से करीबन जयपुर से करीबन मेरे ख्याल से जो बैठा है मुझे जयपुर मेन सिटी रेलवे स्टेशन से मैंने राइडर को पिक किया है, और 85 किलोमीटर चलने के बाद ये ओल्ड राव होटल है, और बहुत ही स्वादिष्ट खाना भी है, अच्छा टेस्ट है, इतना ज़्यादा हाई फाई क्वालिटी का रेट रखा है इन्होंने। जो एक लग्जरी होता है उसमें मिनिमम फेयर वो है, और काफ़ी सारा पार्किंग आप देख सकते हैं। देखिए इधर पार्किंग है, काफ़ी सारा लंबा पार्किंग है, और काफ़ी स्पेस भी मिलेगा आपको देखने को। देखिए बच्चे का खेलने का भी होता है, तो मैं आपको पूरा कोशिश तो करूँगा दिखाने का। चलिए मैं आपको गाड़ी से बाहर निकल के दिखाता हूँ। पट्टा खोल के पूरा सारा लंबी सारा पार्किंग है, लंबी चौड़ी है ना, जैसे दिल्ली में हर जगह ओल्ड राव होटल जिसको से आई लव दिल्ली लिखा होता है, वैसे ओल्ड राव होटल लिखा हुआ है, और बहुत ही बढ़िया है, काफ़ी सारा स्पेस में पार्किंग है। और वो जो सामने आप देख रहे हैं वो ओल्ड अपना दिल्ली ही जयपुर एक्सप्रेस वे है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं गाड़ी के अंदर, और आप लोग तो वीडियो देखिए। तो बहुत अच्छा लगा मुझे इनका खाना टेस्ट में, काफ़ी लंबी पार्किंग है। और ये बच्चे के खेलने का है जो आप देख रहे हैं, बच्चे खेल भी रहे काफ़ी ज़्यादा। और राइडर अभी अंदर ही है, अभी राइडर आने वाले हैं, तब तक मैं वेट करता हूँ उनका, उसके बाद चलेंगे। फिर निमराना जाना है उनको, कोई कॉलेज है वहाँ पे। और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ का, आप भी आए तो ज़रूर रुकिए ओल्ड राव पे। बहुत लंबा चौड़ा स्पेस है इनका, काफी लंबा चौड़ा। चलिए मैं बाहर का हाईवे का भी सीन दिखाता हूँ आपको। हाईवे का सीन देखिए, यह है हाईवे से करीबन 100 मीटर के अंदर में है, हाईवे टच में है, यहाँ पर स्पेस पार्किंग का बहुत ज़्यादा है सारे में। देख सकते हैं काफ़ी लंबा चौड़ा है, इस ब्लॉग को मैं ही एंड करता हूँ। और आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।
फॉर वॉचिंग।